मुझे प्रातः काल अपना प्रेम दिखा, मैं तुझ पर भरोसा रखता हूँ, मुझे सन्मार्ग की शिक्षा दे, क्योंकि मैं अपनी आत्मा को तेरी ओर अभिमुख करता हूँ। प्रभु, तू प्रातः काल मेरी पुकार सुनता है, मैं प्रातः अपना चढ़ावा सजाता हूँ और प्रतीक्षा करता रहता हूँ। तेरी शिक्षा मुझे ज्योति प्रदान करती और मेरा पथ आलोकित करती है। आज का पवित्र वचन 20 मई, पहला पाठ, प्रेरित चरित अध्याय 2 पद संख्या 1 से 11 तक। जब पेंतेकोस्त का दिन आया और सब शिष्य एक स्थान पर इकट्ठे थे, तो अचानक आंधी जैसी आवाज आकाश से सुनाई पड़ी और सारा घर जहाँ वे बैठे हुए थे गूंज उठा। उन्हें एक प्रकार की आग दिखाई पड़ी जो जीवों में विभाजित होकर उनमें से हर एक के ऊपर आकर ठहर गई। वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और पवित्र आत्मा द्वारा प्रदत्त वरदान के अनुसार भिन्न भिन्न भाषाएं बोलने लगे। पृथ्वी भर के सब राष्ट्रों से आए हुए धर्मी यहूदी उस समय यरूशलेम में रहते थे। बहुत से लोग वे आवाज़ सुनकर एकत्र हो गए। वे विस्मित थे क्योंकि हर एक अपनी अपनी भाषा में शिष्यों को बोलते सुन रहा था। वे बड़े अचंभे में पड़ गए और चकित होकर बोल उठे, क्या ये बोलने वाले सबके सब गलीली नहीं हैं? तो फिर हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा कैसे सुन रहा है? पार्थी, मेथी और एलामिती, मेसोपोटामिया, यहूदिया, कपादुकिया, पोंतुस और एशिया, फुर्गिया और पंफूलिया, मिस्र और कुरेन के निकटवर्ती, लीबिया के निवासी, रोम के यहूदी तथा दीक्षार्थी प्रवासी, क्रेत और अरब के निवासी, हम सब अपनी अपनी भाषा में इन्हें ईश्वर के महान कार्यों का बखान करते सुन रहे हैं। प्रभु की वाणी, ईश्वर को धन्यवाद। दूसरा पाठ, कुरिन्थियों के नाम, संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 12 पद संख्या 3 से 7 और 12 से 13 तक। मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि कोई ईश्वर के आत्मा से प्रेरित होकर ये नहीं कहता, ईसा शापित हो, और कोई पवित्र आत्मा की प्रेरणा के बिना ये नहीं कह सकता, ईसा ही प्रभु है। कृपा तो नाना प्रकार की होते हैं, किंतु आत्मा एक ही है। सेवाएं तो नाना प्रकार की होती हैं, किंतु प्रभु एक ही है। प्रभावशाली कार्य तो नाना प्रकार के होते हैं, किंतु एक ही ईश्वर द्वारा सबों में सब कार्य संपन्न होते हैं। वे प्रत्येक को वरदान देता है जिससे वे सबों के हित के लिए पवित्र आत्मा को प्रकट करे। मनुष्य का शरीर एक है, यद्यपि उसके बहुत से अंग होते हैं और सभी अंग अनेक होते हुए भी एक ही शरीर बन जाते हैं। मसीह के विषय में भी यही बात है। हम यहूदी हो या यूनानी, दास हो या स्वतंत्र, हम सबके सब एक ही आत्मा का बपतिस्मा ग्रहण कर एक ही शरीर बन गए हैं। हम सबों को एक ही आत्मा का पान कराया गया है। प्रभु की वाणी, ईश्वर को धन्यवाद।
संत जौहन का सुसमाचार अध्याय 20 पद संख्या 19 से 23 तक। उसी दिन अर्थात सप्ताह के प्रथम दिन संध्या समय, जब शिष्य यहूदियों के भय से द्वार बंद किए एकत्र थे, ईसा उनके बीच आकर खड़े हो गए। उन्होंने शिष्यों से कहा, तुम्हें शांति मिले। और इसके बाद उन्हें अपने हाथ और अपनी बगल दिखाई। प्रभु को देखकर शिष्य आनंदित हो उठे। ईसा ने उनसे फिर कहा, तुम्हें शांति मिले। जिस प्रकार पिता ने मुझे भेजा, उसी प्रकार मैं तुम्हें भेजता हूँ। इन शब्दों के बाद ईसा ने उन पर फूंक कर कहा, पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। तुम जिन लोगों के पाप क्षमा करोगे, वे अपने पापों से मुक्त हो जाएंगे, और जिन लोगों के पाप क्षमा नहीं करोगे, वे अपने पापों से बंधे रहेंगे। प्रभु का सुसमाचार। क्रिस्त की जय।